कंप्यूटर सीपीयू के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि सीपीयू के अंदर काफी सारे अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं और हर एक पार्ट का अपना एक अलग काम और अपना एक यूनिक नाम होता है। इसके लिए हर एक पार्ट्स अपना अलग रोल प्ले करता है, जैसे कि प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, डीवीडी राइटर, ये सभी अपना एक अलग रोल प्ले करता है और ये सभी पार्ट्स को एक कैबिनेट के अंदर फिट किया जाता है। असल में ये एक कंप्यूटर होता है, बाकी जो इसके साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सभी इसके बाहरी एक्सटर्नल सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। अब बात कर लेते हैं कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। पहले नंबर पर आता है मदरबोर्ड, दूसरे नंबर पे आता है प्रोसेसर और तीसरे नंबर पे आता है रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, और चौथे नंबर पे आता है रोम, जिसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। पांचवें नंबर पे आता है एचडीडी, जिसे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। छठवें नंबर पे आता है एसएमपीएस, जिसे पावर सप्लाई भी कहते हैं, और सातवें नंबर पे आता है जीपीयू, जिसे हम लोग ग्राफिक कार्ड के नाम से भी जानते हैं।